स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। और मैं आज आपके सामने CBSE UGC नेट के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत अगला वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले हम कई सारे वीडियो अपलोड की जा चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं इसमें शिक्षण सहायक सामग्री, बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षण सहायक सामग्री आज पढ़ते हैं इसमें। शिक्षण में सहयोग देने वाली सामग्री को शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। ये आपको याद रखना, शिक्षण में सहयोग देने वाली सामग्री को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इसके उपयोग से शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता। इसके उपयोग से शिक्षण को क्या बनाया जाता? प्रभावी बनाया जाता, शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता। ये तीन प्रकार की होती, ये जो शिक्षण विद्या होती ये तीन प्रकार की होती है। नंबर एक है दृश्य साधन। ये तीन प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है शिक्षण सामग्री का, तीन रूपों में। दृश्य साधन विजुअल, इसमें क्या है, इसमें ग्लोब, चित्र, मानचित्र या स्लाइड स्क्रीन आदि का प्रयोग करते हैं। इन साधनों द्वारा शिक्षण प्रभावी होता, इसे केवल देखकर विद्यार्थी समझते, मतलब खाली देख, दृश्य सामग्री होती है जो इस जिसका उपयोग जो है हम कॉलेज में आपने देखा हो, ग्लोब के द्वारा बच्चे को समझाते हैं, चित्र के द्वारा, मानचित्र के द्वारा, स्लाइड, खाली हम इसको देख सकते, देखकर इससे जो है विद्यार्थी समझता। उसके बाद आते हैं आपकी श्रव्य सामग्री ऑडियो, इसमें केवल सुनकर ज्ञान प्राप्त कराया जाता, जैसे कहानी के द्वारा टीचर कोई कहानी करके जो है छात्र को ज्ञान दे रहा, या फ़ोन द्वारा सुनाकर कोई समस्या है छात्र की तो वो बताई जा रही है, या रेडियो द्वारा जैसे मन की बात करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, या मौखिक सुनाकर, खाली इसमें श्रव्य मतलब खाली सुनकर जो है इसमें इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, शिक्षण में किया जाता है। शिक्षण की जो सामग्री है ये खाली सुनने की है, सुनकर इससे जो है शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता। अब आती है आपकी दृश्य श्रव्य मतलब शिक्षण सामग्री, दृश्य श्रव्य मतलब ऑडियो विजुअल, इसमें दोनों क्रियाएं होती, देखकर भी और सुनकर, इसको देखा भी जा सकता है और सुनकर भी शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सुनकर तथा देखकर दोनों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता, यह सबसे प्रभावी होती है। सबसे प्रभावी कौन सी है? दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल सबसे महत्वपूर्ण है, यह सबसे प्रभावी होती है। इसमें आ जाता टीवी को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, मोबाइल को देख भी सकते हैं, मोबाइल में यूट्यूब वगैरह चैनल हम देखते हैं और सुन भी सकते हैं, नाटक को, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि इसके अंतर्गत दृश्य सामग्री में आते हैं। अब देखते हैं हम अन्य कुछ सामग्री भी हैं, जैसे अन्य में आती क्रियात्मक सामग्री, इसमें क्या होता, इसमें भौगोलिक यात्राएँ, संग्रहालयों में घूमकर ज्ञान प्राप्त होता, जैसे पर्यटन क्षेत्रों में जाना होता। आपने देखा होगा BA का जो BA ज्योग्राफी से करते हैं या BEd वगैरह में टूट जाते हैं तो वो उसे क्रियाशील सामग्री कहते हैं। इसमें भ्रमण द्वारा घूमकर जो है इसका उपयोग किया जाता, क्रियात्मक सामग्री। दूसरी है आपकी प्रयोगात्मक सामग्री, यह सर्वेक्षण विधि है, इसमें सर्वेक्षण करके सीखते हैं, जैसे आपने भूगोल में जो है सर्वे करते हैं, जिसमें हम सर्वेक्षण यंत्रों का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसे प्रयोगात्मक सामग्री कहा जाता। आपने देखा होगा BA फाइनल और MA फाइनल में जो है सर्वे किए जाते हैं, नक्शे बनाए जाते हैं, मानचित्र, प्लान टेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास वगैरह द्वारा जो BA फाइनल के स्टूडेंट होंगे ज्योग्राफी से या MA के, तो उन्होंने सर्वे किए होंगे तो वो प्रयोगात्मक सामग्री में आता। और जो टूट जाता उनका भ्रमण के लिए वो होता क्रियात्मक सामग्री। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था शिक्षण सहायक सामग्री, तीनों दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य तीनों, और अन्य क्रियात्मक और प्रयोगात्मक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक आध प्रश्न बन जाता। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल बटन दबाकर, और साथ में बेल भी जमा दें, और अब वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद।